यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कई सारे सवाल थे जिनके जवाब जानना चाहती थी जनता, और खासकर कि जो इनेलो के कार्यकर्ता हैं वो भी, और इनसो के भी कार्यकर्ता नजर गड़ाए हुए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक पर भी उन्होंने कहा था कि मैं 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और साथ ही उन्होंने ये कह दिया है कि अफवाह है सभी कि इनेलो में कुछ अंदर खाने या घर में कुछ सही नहीं चल रहा। उन्होंने कहा ये कोरी अफवाहें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, सब एक हैं हम छात्र संघ चुनाव को का बहिष्कार करते हैं, ये भी उन्होंने कहा। छात्र संघ चुनाव को लेकर आज जिस तरह से घमासान हुआ उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। परिवार में फूट की खबर को कोरी अफवाह करार दिया उन्होंने, और साथ ही आपको बता दें कि ये कहा गया कि ये सब मीडिया की देन है, यानी कि मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, इनसो को ऐसे भंग नहीं किया जा सकता, ये भी उन्होंने स्पष्टीकरण फिर से दिया है। और इनसो का संविधान अलग है, एक अलग बॉडी है, ये उन्होंने कहा है। और ये जो हक है वो या तो अजय चौटाला के पास है या फिर जो कार्यकारिणी है वो इसका फैसला ले सकती है कि इनसो को भंग किया जाना चाहिए या नहीं। यानी कि जो ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा प्रेस नोट के जरिए कहा गया उसमें कुछ और है, और जो दिग्विजय चौटाला इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ओम प्रकाश चौटाला की वो इज्जत करते हैं और सम्मान करते हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ भी रही है और उनके नेतृत्व में ही हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन जब बात इनसो की आती है तो उनके सुर कुछ अलग दिखाई देते हैं, और आज भी अपनी बात पर वो अटल रहे, जैसा कि कल भी उनका एक बयान सामने आया था। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब अभी बाकी थे आना, और उसको लेकर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी दिग्विजय चौटाला के द्वारा भी, और मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद थे। तमाम तरह के जो सवाल हैं उनके जवाब भी तसल्ली से दिए हैं दिग्विजय चौटाला ने। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल लिए उन्होंने, हालांकि कुछ सवालों को टालते नजर आए, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर उन्होंने बताया, लेकिन फिर भी जो उन्होंने इनसो को लेकर कहा है वो साफ तौर पर यही है कि इनसो भंग नहीं हुई है उनकी ओर से। बालमुकुंद शर्मा हैं कांग्रेस प्रवक्ता फोनलाइन पर, सबसे पहले तो उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं छात्र संघ चुनावों को लेकर। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई का भी यही कहना है कि हम तो चुनाव फिलहाल लड़ने के मूड में नहीं है, डायरेक्ट चुनाव ही होने चाहिए। जी जी जी, देखिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो नीतिगत बात है कि सीधे चुनाव होने चाहिए। देखो चुनाव करवाने का जो हमारी जो मांग रही है, और भी छात्र संगठनों की जो मांग रही है, वो उसका मकसद ये था कि सीधे चुनाव किया जाए। जब जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, देश के अनेक शिक्षण संस्थानों में सीधे चुनाव होते हैं। ये सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, केवल लिपापोती करने के लिए सरकार अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इनडायरेक्ट चुनाव करवा रही है, ये सरकार का फेलियर है सीधा सीधा। अच्छा, चलिए अब आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जो चौटाला परिवार में सब कुछ चल रहा है उसे कोरी अफवाह भी करार दिया गया है दिग्विजय चौटाला के द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोरी अफवाह के आए तो जग इनका जो सिर फटोल है जमीन जनता के सामने आया है। कोरी अफवाह किस बात पर कोरी अफवाह कह सकते हैं आप जी? ये जो उटिंग हुई है या कोरी अफवाह थी, इनको निकाला गया पार्टी से, क्या हुई कोरी अफवाह थी? ठीक है, ढुल साहब भी हमारे साथ, रविंद्र ढुल साहब फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ढुल साहब, दिग्विजय चौटाला ने तो कह दिया है कि हम सब एक है, लेकिन बात जब इनसो तक आती है तो वो कहते हैं कि ये तो ओपी चौटाला साहब कर ही नहीं सकते, ये तो अजय चौटाला कर सकते हैं या कार्यकारिणी कर सकती है। देखिए, उन्होंने तकनीकी रूप से कहा है, तकनीकी रूप से वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात को आप देखिए कि इंडियन नेशनल लोकदल की जो है स्टूडेंट इकाई ही है इनसो। यदि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कोई फैसला लिया है तो निश्चित रूप से उस फैसले के ऊपर ही इनसो की प्रदेश कार्यकारिणी विचार करेगी, ऐसा हमारा बिल्कुल निश्चित रूप से मानना भी है। इतनी जल्दबाजी में क्यों फैसला लिया गया? दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल पहले क्यों नहीं सोचा गया, क्या जल्दबाजी में फैसला लिया गया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई जल्दबाजी वाला फैसला नहीं है किसी भी प्रकार का, पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं। और बाकी जिस प्रकार की बातें फैलाई जा रही थी विपक्षी पार्टियों के द्वारा मीडिया के माध्यम से, वो भी बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है दिग्विजय जी के द्वारा भी, आज सुबह चौधरी अभय सिंह जी के द्वारा भी जी। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि परिवार भी एक है और इनेलो पार्टी भी एक है। बालमुकुंद जी को ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ कि पार्टी में से किसी को भी निकाला नहीं गया है पिछले 3 या 4 दिन के अंदर, ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से बदलाव किया गया है सर।
ठीक है, केवल बदलाव हो रहे हैं, बदलाव करने का चौटाला साहब के पास में अधिकार है। संजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है संजय शर्मा जी। ये कहा गया है दिग्विजय चौटाला के द्वारा भी, अभय चौटाला भी कहते नजर आए हैं कि एक तो मीडिया को ही कटघरे में खड़ा किया गया है कि मीडिया की उपज है, और साथ ही जो विरोधी हैं इनेलो के यानी कि बीजेपी या कांग्रेस, उनको भी कहा गया है कि आपने ही अफवाह फैलाई है कि इनेलो परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए कमल, ये वैसे तो इनेलो का अंदरूनी मामला है, वो किस इकाई को भंग करे, किसको रखे, किसको पार्टी में रखे, किसको निकाले, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष की भूमिका निभाने वाला दल है उसके अंदर कोई उठा पटक होती है तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से राजनीतिक परिस्थिति पर पड़ता है। अब आदरणीय रविंद्र ढोल जी अपनी पार्टी को डिफेंड करने का असफल सा प्रयास कर रहे हैं। वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि किसी को निकाला नहीं गया है, और दूसरी तरफ ये भी है कि क्यों ये भंग किए गए हैं इनके जो मोर्चे हैं, अनुशासनहीनता की बात कही गई है कि नहीं, वो तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। ये तो मैं आपको उत्तर दे देता हूँ, ये उत्तर मेरे से मांगा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ रविंदर जी कि इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ ना कुछ तो नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, हवाई बातें मत बनाइए सर। इन लोगों को नहीं, हवाई नहीं कह रहा हूँ मैं, जो जो दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है कि किस तरह से सामने दिखाया जा रहा है संजय जी कि पहले देखिए संजय जी, ये तो मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा है कि अगर अनुशासन की बात आती है किसी भी पार्टी में, अगर वो जरूरी भी होता है और उसके जरिए अगर बदलाव हो तो तभी तो पार्टी आगे बढ़ेगी। ये तो आपके मुख्यमंत्री कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के कहते हैं चलना चाहिए। आपको ध्यान होगा इतिहास में भी चौधरी देवीलाल के समय ओम प्रकाश चौटाला जी ने रणजीत सिंह के हाथ से राजनीतिक सत्ता छीन ली और खुद वो बन बैठे, आज बेचारे वो बियाबान में भटक के अलग अलग दलों में होते हुए आज कांग्रेस में है रणजीत सिंह जी। तो ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला के इसका जवाब किसके पास। बालमुकुल शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, धूल साहब आपसे जवाब लेंगे सर, जवाब तैयार रखिएगा संजय शर्मा जी का। बालमुकुल शर्मा जी आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी कमल जी, मैं ये कहना चाहता था वैसे तो 15 साल से इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता से बाहर है जी, लेकिन फिर भी जो कुछ जनाधार है इनका वो अजय सिंह चौटाला का, दुष्यंत और दिग्विजय सिंह चौटाला का ही है जमीनी हकीकत पे। ये लोगों ने फील्ड में मेहनत भी की हुई है, अजय सिंह तो इस पर केवल संगठन पर कब्जा करना चाहते हैं, ये इसलिए इनका सिर्फ टोल है। आने वाले टाइम में भी दिग्विजय सिंह चौटाला और यही तो आरोप है कि आप बांट रहे हैं चाचा भतीजा को। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको यही इसी चीज के ऊपर आपत्ति है। अब ये कौन होते हैं जनादेश तय करने वाले? देखिए रविंद्र डोल सिंह जो है ना, बहुत ही सुलझे पत्रकार हैं, वो प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता ही बहुत ही बड़े परिवार से आते हैं। रविंद्र डोल के जो परिवार की इमेज है हमारे वाजीन जिले में, जहाँ आस पास इलाके में बड़ी नामचीन इमेज है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो घर की फूट है उसको ना तो रविंद्र डोल सिंह छुपा सकते, ना मैं छुपा सकता। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, आने वाला समय ये बात बताएगा कि जो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला, अजय चौटाला की जो 30-35 साल की मेहनत है उसको कब्जे में करना चाहते हैं अजय सिंह चौटाला। लड़ाई ये है, अजय सिंह चौटाला ने 30 साल, दोनों सवालों के जवाब दीजिए। संजय शर्मा जी ने भी सवाल उठाया कि इतिहास दोहराया गया है, दोबारा से ये दोहराया जा रहा है। मैं ये बता देता हूँ, लोकदल की अंदरूनी लड़ाई, लेकिन मैं बताता हूँ इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। जब ये जमीन पर जाएगी लोकदल, वहाँ दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला ये जितना भी है आगे होके निकल के जाएंगे, अभय सिंह को मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी की स्थापना जो कि चौधरी देवीलाल, जननायक चौधरी देवीलाल ने की है। जननायक चौधरी देवीलाल का भी समय पर भी कहना था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी कहते रहे हैं कि व्यक्ति से ऊपर संगठन, संगठन से ऊपर विचारधारा होती है। तो हम लोग चौधरी देवीलाल की विचारधारा से बने हुए लोग हैं। हमारी जो पार्टी का जो जनाधार है निश्चित रूप से, क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सबसे ज्यादा समय तक फील्ड में रहे हैं, तो हम मानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। अब मेरी बात तो समझिए सर पूरी सुनाइए सर, सुनाइए पहले मेरी बात को सुनिए। तो हमारे जनाधार, हमारी पार्टी के जनाधार को जिसने इस पार्टी के हर एक नेता ने अपने तब से जिसे सींचा है, जिसे बढ़ाया है, जिसके कारण आज तक हमेशा 25-26-27% पे हमारी पार्टी रही है, उससे नीचे कभी नहीं गई है, उसके पीछे सबका हाथ है। कृपया करके इस जनाधार को नेताओं के अंदर बांटने का कोई काम न करें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला बिल्कुल एक है, बिल्कुल किसी भी तरीके से वो अलग नहीं है, उन्हें अलग करने का प्रयास मत कीजिए। बिल्कुल मेरी ये गुजारिश आपसे रविंद्र जी, नहीं ये बताइए सर, एक एक करके बोलिएगा संजय जी, आपके बालकुल जी आपसे आएंगे सर आपके पास। संजय जी बोलिएगा,
मैं ये कह रहा हूँ, एक सवाल है मुझे कि अभी जो 7 तारीख को रैली थी गोहाना के अंदर, उससे पहले जो 25 सितंबर को होनी थी, उसमें जो पोस्टर लगे थे, जो दिग्विजय के या दुष्यंत के पोस्टर थे, उसपे अभय सिंह चौटाला की फोटो क्यों गायब थी? और ऐसे ही अभय सिंह की चौटाला की फोटो के ऊपर उनकी फोटो क्यों गायब थी? तो वो चीजें तो पहले ये भी उपजाया हुआ मुद्दा है, इसका भी उत्तर दूं मैं आपको। के बाहर आ गई है ये, आपको मैं उत्तर दूं। दीजिए सर, उत्तर दीजिए संजय जी की बात। हाँ, ये भी ये जो बनी बनाई बात इनके द्वारा की गई है, मैं इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सुनिए सर, बात को सुनिए सर, पूरी बात को सुनिए सर, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। जो दो तरह के पोस्टर लगाए गए थे उस समय पर, एक लगाए गए थे इनसो के द्वारा और दूसरे लगाए गए थे इनेलो के द्वारा। जहां तक बात इनेलो की है तो उसके अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष के अलावा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सबकी तस्वीर वहां पर मौजूद थी। जो इनसो का है, क्योंकि इनसो का जो संगठन है उसके संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है और वहां पर जो है उसके संरक्षक के रूप में दुष्यंत चौटाला काम कर रहे हैं उनके नाम पे। देखिए संजय जी के मन में, मेरे मन में भी है और कार्यकर्ताओं के मन में। सर, बाकायदा ओम प्रकाश चौटाला जी प्रेस रिलीज करते हैं, उसमें कहते हैं कि इनसो को भंग कर दिया जाता है, उसके बाद दिग्विजय चौटाला जी सामने आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, तकनीकी जैसा कि आप बातें कर रहे हैं शांति बना रखें। आज प्रदर्शन भी होता है इनसो के बैनर के तले, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर वो कहते हैं कि ऐसा तो हुआ नहीं है, अजय चौटाला जी करे तो हम मानेंगे और प्रकाश चौटाला जी की सम्मान हम करते हैं। दिग्विजय जी की पूरी बात को क्यों नहीं सुना आप? पूरी बात को क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? जो वो ये कह रहे हैं कि हमारा परिवार एक है, उसकी बात को आप क्यों नहीं दोहरा रहे? सवाल ये देखिए, आखिरकार ओम प्रकाश चौटाला जब डिसीजन ले रहे थे और दिग्विजय चौटाला नहीं मान रहे हैं, गैप क्यों है इन बातों में? आप बीच में से बातों में से बातें क्या काय निकालते हैं? जब मैंने आपको बता दिया तकनीकी चीज है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आदेश है, उसके ऊपर इनसो की कार्यकारिणी बिल्कुल पूरी तरह से वो करेगी। सवाल तो ये सर, तकनीकी चीजों को पहले क्यों समझा नहीं गया कि इनके पास क्या हक है कि नहीं? सर, ये बात आपके ऊपर है, हम तो पहले भी करते हैं अनुशासन के लिए, यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है किसी को? कमल जी, मैं बोलना मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें किसी भी पार्टी को किसी भी प्रकार की दिक्कत कैसे हो सकती है? दिग्विजय चौटाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप पूरा क्यों नहीं सुन रहे? बताइए आपको आपत्ति क्या है? परिवार एक है, आप तोड़ रहे हैं परिवार को। मैं ये कह रहा हूँ, रविंद्र डुल साहब, ये बात से हम सहमत है, हो सकता है उनका परिवार एक हो, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन आप ये नहीं कह सकते वहाँ नारे लगाने वाले लोग इनसो थे, दो लोग बर्खास्त गए वो इनसो के थे। तो फिर कांग्रेस क्या कांग्रेस के बर्खास्त कोई भी नहीं किया गया? और ये इस बात की जांच चल रही है, नारे लगाने वाले कौन थे? डूड साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता। देखिए बालमुकुंद शर्मा जी, एक सवाल ये भी उठा है कि जो इनेलो है पार्टी, वो कह रही है कि जो दूसरी पार्टी है उसके साथ साजिश कर ऐसा माहौल बनाया गया कि वहां पर हुटिंग हो, रैली में खलल डले। कमल जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर इनकी जानकारी के लिए दुष्यंत चौटाला को भी निष्कासित कर दिया गया है इंडियन नेशनल लोकदल से, मैं बता देता हूँ इनको ये बात, और ये मैं इनको ये बता देता हूँ, अगर इनको पता नहीं लगा बिल्कुल गलत बात मत फैलाएं यहाँ पर बैठ करके। रविंद्र जी, सर आप ये बता रहे हैं, आप क्यों गलत बात फैला रहे हैं? बताएं किसको निष्कासित किया गया है? नहीं, ये तो देखिए बालमुकुंद जी, संजय जी, ये तो बातें दिग्विजय चौटाला ने भी कही है कि निलंबन की बात हो दुष्यंत चौटाला की, मेरे पास लाए कुछ पेपर लाए आप बताएं। अरे है ही नहीं ऐसा कुछ भी, ये पार्टी कार्यकाल कार्यालय की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है, डॉक्टर आर एस चौधरी जी के द्वारा भी, संजय जी कुछ कहना चाहते हैं? सुबह चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया, कहाँ से उपज है ये मीडिया की? नहीं बिल्कुल सर, ये मीडिया की उपज नहीं है, ये मैं खुद ही कह रहा हूँ, दिग्विजय चौटाला जी ने कहा है कि ऐसा अगर हो तो पेपर लाएं आप, ये तो हम भी कह रहे हैं। पेपर इन्हीं के पास जाएंगे, हमारे पास तो बाद में आएंगे ना जी, वही तो सवाल है सर, संजय जी लेकर के आ रहे हैं, यही सवाल है संजय जी कि आप अफवाहें फैला रहे हैं, आप क्या एक परिवार को तोड़ रहे हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए आप कर रहे हैं क्या इन लोगों को? आपको फायदा होगा इससे? आपको फायदा हो रहा है क्या इससे? अगर इन लोगों में फूट होते हैं संजय जी, बोलो। मुझे देखो, ये मुझे जानकारी नहीं है कि निलंबन हुआ या नहीं हो, मैं लेकिन मुझे ये जानकारी कि अजय सिंह चौटाला जी की स्थिति क्या है इंडियन नेशनल लोकदल में, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि किसी भी सूची में उनका नाम नहीं था। उनको भी नाम सूची से गए नाम, अजय सिंह चौटाला को नाम चौटाला। सर सवाल यही आ जाता है कि आखिरकार बीजेपी कांग्रेस को इनेलो की चिंता इतनी क्यों होने लगी, या अभय चौटाला की? मेरी बात को सुनिए, सवाल ये है
संजय जी पूरी इतनी चिंता नहीं है, देखिए हमें कोई चिंता नहीं, हम तो अपना लिस्ट में नाम है नहीं है, चला रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर अगर इस तरह की कोई दृश्य प्रदेश से उभर के आता है, आज आप देखिए ना कि हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल वो परिवार एकदम बटा हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के अंदर 10 धड़े हैं, वो 10 धड़े अलग अलग से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन लोगों की सेवा करने में, हरियाणा का विकास करने में लगा हुआ है। तभी नरेंद्र मोदी जी की स्टेज के ऊपर जो खींचातान हो रही थी मंत्रियों की स्टेज के ऊपर चढ़ने के लिए, मुझे उसके ऊपर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी का करें, हमारी पार्टी को छोड़िए। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, वो 2014 से लगातार जो है प्रदेश महासचिव हैं और आज भी हैं और कल भी थे, तो उनकी पोजीशन के को ना तो कभी चेंज किया गया ना ही कोई चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं थे। मैं 2014 से 2019 तक की सभी प्रेस नोट आपको दे सकता हूँ, कभी भी नहीं थे वो राष्ट्रीय महासचिव, कभी भी किसी भी टाइम पे नहीं थे। संजय जी, बाल मुकुंद जी, क्या यही है कि जानकारी का अभाव है और उसे सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, उसे सब सब हवाई बातें फैला रखी हैं इन्होंने, ऐसा तो नहीं है संजय जी, जानकारी के अभाव के चलते? बाल मुकुंद जी चलिए आप बताइए। कमल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो रिकॉर्ड दिख रहा है ना, ये तो मीडिया। अरे नहीं है सर, आप मेरे से लीजिए ना, आप मेरे से लिस्ट लीजिए, ठीक है? बाल मुकुंद जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सर। बोलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, लेना देना तो गलत मत फैलाइए फिर बात। नहीं नहीं रविंदर जी, चलो हम अपनी जानकारी दूर कर लेंगे, आप ही बता दीजिए जो कल की जो लिस्ट जारी हुई है। पार्टी बढ़ाओ हमें क्या पड़ता है, ठीक है? बोलिए बाल मुकुंद जी। जी जी, कल की जो लिस्ट जारी हुई है उसकी मैं कॉपी भेज देता हूँ आपको, अजय सिंह का नाम उसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आज की लिस्ट में है नाम उनका, कल की लिस्ट में इसलिए नाम नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट है, उसमें अजय सिंह जी पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, इसमें क्या अलग हुआ मुझे बताइए आप? आज की लिस्ट में क्यों आया, कोई प्रेशर की राजनीति है, कोई परिवार आज की है? क्योंकि आज की जो है प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट है, कल वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थी, आज प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट में नाम उनका कंटिन्यू है, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले भी नहीं थे। क्या आप अजय सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से नीचे प्रदेश कार्यकारिणी में लेके आए हो? ये बिल्कुल भी नहीं लेकर के आए। आपको नहीं लगता कि 2017 से डॉक्टर आर एस चौधरी ही उसमें राष्ट्रीय महासचिव है? ठीक है, 2017 से है ये। रविंदर सिंह डुल जी, मैं तो आप मेरे छोटे भाई जैसे और बड़ा सम्मान करता हूँ आपका, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये आप दबाव में कितने दिन दबाओगे ये तो? अरे दबाव नहीं सर, आप हमारी लिस्ट को देखिए ना, आप काहे हवा में फैला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको 2017 से अरे चौधरी जी कंटिन्यू है राष्ट्रीय महासचिव, आपने सही फरमाया, ये क्यों ये बातों को फैला रहे हैं जो है ही नहीं, इफेक्ट ही नहीं है जो। एक सवाल ये है सर डुल साहब, अगर आप इन सबको रोकना चाहते हैं, इन सब चीजों पर लगाम लगाना चाहते हैं, तो एक सवाल ये है कि अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला क्या एक साथ सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? क्या क्या करेंगे? सही समय आने पर करेंगे, परसों हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी है 15 तारीख को, आप उसके ऊपर भी नजर बना करके रखिएगा। नजर बनाएंगे सर, अगर ऐसी कोई बात नहीं, निश्चित रूप से 15 तारीख को ठीक है। संजय जी, संजय जी कुछ कहना चाहते हैं? बाल मुकुंद जी एक मिनट सर, संजय जी बोलिए। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसके है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी ये आप अपने लिए कहिए, बाहर आनी आप देखिए, आप अपने लिए कहिए, जब आपके मंत्रियों को धक्के लग रहे थे स्टेज से मोदी के उसके ऊपर, आप अपने लिए कहिए, हमारे लिए मत कहिए जी, हमारे यहाँ कोई धक्का नहीं होता। नरेंद्र मोदी के स्टेज के ऊपर जाने के लिए धक्का लगाया सीएसएफ के जवानों ने एक मंत्री को, मेरे से नाम मत कहलवाइए। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की धक्के मार करके नीचे उतारा गया नरेंद्र मोदी के स्टेज से केंद्रीय मंत्री को, आपके बनी हुई पार्टी है ये, बाप बेटे की पार्टी नहीं है ये सब। अरे आपकी पार्टी का बता रहा हूँ मैं, हमारी पार्टी किसी बाप बेटे की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी बाप बेटे उसकी नहीं, क्षेत्रीय पार्टी कम से कम आपके अंदर बोलने का तो एक तरीका होना चाहिए। नहीं करती, देश की चिंता नहीं, प्रदेश की चिंता नहीं, केवल अपने घर में बंटवारे की चिंता है, ये आपकी पार्टी में होता है, हमारी पार्टी में नहीं होता है। चलिए बाल मुकुंद जी आप बताइए सर, लग रहे थे वहाँ पर डुल साहब, आप सभी से एक सवाल मेरा होगा सर, देखिए बाल मुकुंद जी ये बताइए कि इसका फायदा क्या आपको होगा, आपकी पार्टी को होगा या बीजेपी को होगा, जो आप ये सब कुछ चल रहा है फिलहाल इन्हें लोग के घर में बात चल रही है कि नहीं चल रही है? बीजेपी तो डूबता हुआ सूरज हरियाणा में, तो आपको फायदा होगा इसका, इसलिए आप बातें फैला रहे हैं क्या? कांग्रेस को फायदा नहीं है,
मैं बताता हूँ, सोच है, कांग्रेस सोच कभी नहीं डूबता। मेरी बात तो सुन लो जी, बात पूरी नहीं होती ना आपकी पूरी होगी ना मेरी। बोलिए सर, बोलिए, समय की कमी है, जल्दी बोलिए सर। हाँ समय, मैं ये कहता हूँ कांग्रेस को तो ये फायदा होगा, पहले हम 70 पर थे, अब हम 80-85 पर चले गए। ठीक है, तो कांग्रेस की एक संजय जी अंतिम प्रतिक्रिया सर आपकी, क्या आपको फायदा होगा कैसे, इसलिए ऐसी ऐसी बातें फैला रहे हैं क्या? हम किसी दूसरे के घर के टुकड़े से अपने लाभ नहीं देखते, किसी का घर तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को अपने सेंटर को मजबूत करते हैं और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है गुल साहब, गुल साहब अंत में आप बताइए सर, ये जो सब कुछ चल रहा है क्या मानते हैं कि इसके पीछे है क्या चीज और इससे क्या नुकसान हो सकता है आपकी पार्टी को कहीं ना कहीं? देखिए कोई नुकसान पहली बात तो नहीं होगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो बातें फैलाई गई है उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, सारा इनेलो परिवार जाएगा, हमारी पूरी पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है और हम स्पष्ट रूप से जनता के बीच में जनादेश लेने के लिए जाएंगे कि इस प्रकार की बातें, राजनीतिक पार्टी नहीं है, परिवार को तोड़ने का भी षड्यंत्र किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आपने ये भी कहा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी, बिल्कुल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों ने समय दिया और बातचीत की है, इस बहस में शामिल हुए और बताया कि आखिरकार दिग्विजय चौटाला जो कि इनसो के अध्यक्ष हैं कि नहीं है, या इनसो है कि नहीं है, ये कन्फ्यूजन बहुत चल रहा है, इसको लेकर स्पष्ट कौन करेगा, ओम प्रकाश चौटाला करेंगे या अजय चौटाला करेंगे, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। इन सवालों का जवाब बहुत जल्द मिल सकता है क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति फिलहाल बनी हुई है इनेलो के भीतर।